स्कूल जाए, प्रणव के स्कूल। हाँ प्रणव आपका बेटा है तो आपको ही जाना पड़ेगा ना। हम उनके पिता है भाई, हम ही जाएंगे। लेकिन हमरी एक तो शरत है, पहले हमरे को तो ये बता कि तुरी पगार कितनी है। 10,000 मिलते हैं मुझे। तू हमरे को 10,000 में से 2,000 दे दे और हम पंडप के स्कूल जाएंगे। अरे लालत है तो जैसे बाप पर, अपने बच्चों से ही सौदेबाजी। अगर हमरी शरत मंजूर है तो ठीक है, और वैसे भी तुम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी जैसी सैलरी आती है मैं सबसे पहले आपके हाथ में 2,000 रुपए रखूंगी। ना 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 ना, ऐसा नहीं चलेगा। तू हमारी बेटी है तो हम भी तोरे बाप हैं। पहले पैसे लेंगे फिर एक तो कदम आगे बढ़ाएंगे, सोच लीजो। बाबा अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपसे वादा करती हूँ जैसी मेरी सैलरी होगी सबसे पहले 2,000 रुपए मैं आपके हाथ में रखूंगी। ठीक है, तो जब पगार आ जाए तब याद करना मेरे को। बाबा एक आंखियां आपने 2,000 की लालच के चक्कर में हमरे को मेरे बेटे के सामने खड़ा कर दिया, हम जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस हमारे साथ खड़े रहिए, हम सब संभाल लेंगे। चलिए। यही वो प्रणव मात्रे है जिसने आपके बेटे को पीटा। देखो सच्चाई क्या है मैं जानती हूँ, लेकिन प्लीज ये सब प्रिंसिपल मैडम से मत बताना। एक्चुअली मेरे पति एक नंबर के शराबी हैं, इसलिए मैं तुम्हारे बाबा को पैसे देकर यहाँ लाई। अगर ऐसा नहीं करती तो ये लोग मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल देते। प्लीज मैम, मैं अपने बच्चे की तरफ से माफी मांगती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरा बच्चा शरारती है, लेकिन जब दो बच्चे लड़ते हैं तो किसी न किसी को चोट तो लगना ही है ना। मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद मेरा बच्चा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ मैडम जी, आप बेफिक्र रहिए, हम इसको अच्छे से समझा देंगे। चलो मैम से सॉरी बोलो। सॉरी मैम। ठीक है, दोबारा ऐसी गलती मत करना। जी मैम। मिस्टर एंड मिसेस कोहली अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। आपको गार्डियन चाहिए ना? आई एम शशांक, मैं प्रेस से हूँ, मुंबई डेस्क में काम करता हूँ, एंड शी इज माय फियांसे। बहुत जल्द अंकिता और मैं शादी करने वाले हूँ, और मैं इनको बहुत जल्द अडॉप्ट करने वाला हूँ और खुद इनकी जिम्मेदारी लूंगा। अगर आप चाहती हैं तो कुछ महीनों बाद शादी होते ही मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूँ ऑन पेपर्स, लेकिन क्या उसके बाद आप हम दोनों को एज अ डिसेंट गार्डियंस एक्सेप्ट करेंगे? अंकिता, मिस्टर शशांक सही कह रहे हैं, मैं तुम्हारे भाई को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर उसके हाथों एक गलती और हुई तो फिर मैं उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी। वो ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। सॉरी मैम। मैंने जो कुछ भी प्रिंसिपल के ऑफिस में कहा वो सब कुछ सच था। मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ। ताई, ताई का ये बात सच है? तेरी खामोशी का मतलब है हाँ, है ना? हम बात बाद में बात करेंगे। ताई मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी है। प्रशांत, प्रशांत बाद में बात करेंगे। शशांक आई, तू इंडिया सिर्फ इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो आदमी वहां रहता है। वो आदमी? पर ये कौन सा तरीका है अपने डैड के बारे में बात करने का? मेरा गिव सम रिस्पेक्ट। मतलब आई तू अभी भी चाहती कि मैं उस आदमी की इज्जत करूं? वो आदमी जिसने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा, वो आदमी जिसने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करी कि उसकी ये बेटी जिंदा है या मर गई, वो आदमी आई जिसने अपनी पहली पत्नी से शादी की और उसके बाद तुझे छोड़ दिया और अपनी पूरी जिंदगी उसके साथ बिताई। आई मुझे ना बस एक एक रीजन दे कि मैं उसको अपना बाप मानूं। रिश्ता।